दोस्तों ये है बोल्ट का W20 ईयरबड्स जो कि हाल ही में भी बोल्ट ने लॉन्च किया है। प्राइस के हिसाब से इसकी क्वालिटी तो काफी जबरदस्त है। इस वीडियो में करने वाला इसकी अनबॉक्सिंग और आपसे शेयर करने वाला हूँ इसका ऑनेस्ट रिव्यू, वो भी एक एक्सट्रीम हैवी टेस्ट के बाद। अगर आप इसे परचेज करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि मैं इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं काम की बातें। बॉक्स देखने में कुछ इस टाइप का है और ये ऊपर के साइड में बोल्ट W20 की ब्रांडिंग की गई है। यहाँ पर मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग है और ये देख के काफी अच्छा लगा। बैक साइड में इसी के कुछ ये हाइलाइटेड फीचर्स दिए गए हैं जो आगे आपको वीडियो में पता चलने वाले हैं। बॉक्स को ओपन करते सबसे पहले हमें यूजर मैनुअल मिलती है और साथ ही में एक वारंटी कार्ड और एक 100 रुपीज का वाउचर कार्ड है। उसके बाद है ईयरबड्स, एक टाइप सी डेटा केबल और ये कुछ साथ में एक्स्ट्रा बड्स हैं। लुक्स और डिजाइन की बात करें तो प्राइस के हिसाब से इसका डिजाइन काफी जबरदस्त है। मैट फिनिश होने की वजह से देखने में काफी प्रीमियम लगता है और ओवल शेप होने की वजह से इसकी ग्रिप भी काफी जबरदस्त है। इसमें टोटल 3 कलर मिलते हैं, ब्लू, ब्लैक और ग्रीन, और वो आप अपने चॉइस के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो प्लास्टिक यूज की गई है वो काफी जबरदस्त क्वालिटी की है और यहाँ पे बोल्ट की ब्रांडिंग है। 4 LED इंडिकेटर मिलते हैं जो आपकी बैटरी स्टेटस को बताते हैं। नीचे के साइड में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है और इसके हिंज की क्वालिटी भी काफी जबरदस्त है। बार बार खोलने बंद करने पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली और ये काफी टाइट है। मैग्नेट भी काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है। यहाँ तक कि अगर आप अपने बड्स को उल्टा भी कर देते हैं तो गिरने वाले बिल्कुल भी नहीं है। बड्स की बात करूँ तो इसकी क्वालिटी मुझे देखने में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगी है। ओनली ग्लासी फिनिश दिया गया है और यहाँ पे ये बोल्ट की ब्रांडिंग है। ये LED लाइट इंडिकेटर है और ये काफी लाइट वेट है। लंबे टाइम में यूज करने पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसकी कनेक्टिविटी की बात करूं तो इसमें आपको ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिलता है। पेयरिंग इसकी काफी फास्ट है और कनेक्टिविटी में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लाइट वेट होने की वजह से काफी कंफर्टेबल फील होते हैं और इसकी फिटिंग भी काफी जबरदस्त है। इसमें आपको 45 मिलीसेकंड अल्ट्रा लो लिटरेसी गेमिंग मोड मिलता है जिसकी वजह से इसकी गेमिंग क्वालिटी बहुत जबरदस्त होती है। इसमें गेमिंग के टाइम पर ऑडियो में लैग बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। किसी भी ईयरबड्स पर 4 बार टैप करने से इसका गेमिंग मोड ऑन हो जाता है और फिर 4 बार टैप करने पर ऑफ भी हो जाता है, मतलब नॉर्मल हो जाता है। कैजुअली गेमिंग के लिए बहुत ही जबरदस्त ये ईयरबड्स होने वाला है। छोटा सा BGMI गेमिंग टेस्ट और इसकी ऑडियो क्वालिटी आपको कैसी लगी हमें भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसकी बैटरी की बात करूं तो इसका केस आपको 32 आवर का प्लेबैक टाइम देता है और बड्स की बैटरी आपको लगभग 5 से 6 घंटे के आसपास का बैटरी बैकअप दे देती है। इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है और ये 10 मिनट की चार्जिंग पे लगभग 120 मिनट के आसपास का बैटरी बैकअप दे देता है। कॉलिंग की बात करूं तो अंडर 1000 के बजट के हिसाब से इसकी कॉलिंग मुझे काफी जबरदस्त लगी है और इसे मैंने इंडोर आउटडोर दोनों जगह टेस्ट किया। इसका माइक्रोफोन प्राइस के हिसाब से बहुत ही जबरदस्त वर्क करता है। इसमें डुअल माइक दिए गए हैं विद एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन जिसकी वजह से कॉलिंग क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है। इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूं तो इसमें आपको IPX5 वाटर रेजिस्टेंस दिया गया है। हल्की फुल्की पानी की बूंदों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली और अगर जिम के टाइम पर आपको स्वेटिंग वगैरह होती तो इससे भी आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। दोस्तों अब बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी की जो इसका सबसे मेन पार्ट है। 13mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं जिसकी वजह से इसके साउंड की क्वालिटी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी है। बेस इसका बहुत ही मस्त है। अगर आप फुल वॉल्यूम पे म्यूजिक सुनते हैं तो कोई भी डिस्टॉर्शन वगैरह आपको नहीं नजर आएगा। ऑनलाइन लेक्चर या फिर मूवी वगैरह देखने में आप इसे यूज करते हैं तो साउंड में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दोस्तों यही थी बोट W20 की कहानी और अगर मैं अपना ओपिनियन आपसे शेयर करूं तो प्राइस के हिसाब से मुझे काफी जबरदस्त लगा। अंडर 1000 के बजट के हिसाब से देखते हुए मुझे ये वन ऑफ द बेस्ट ईयरबड्स लगे हैं। और वैसे दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें भी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही मजेदार सिंपल तरीके से टेक की वीडियोस पाने के लिए।